हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल फॉर दिस रिसर्च मेथोडोलॉजी लेक्चर सीरीज़ पार्ट फोर्थ. दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सैम्पलिंग डिज़ाइन एंड डेटा कलेक्शन. व्हाई दिस इज़ इंपॉर्टेंट? बिकॉज मैक्सिमम क्वेश्चंस इस सेक्शन से आते हैं, सैम्पलिंग डिज़ाइन एंड द डेटा कलेक्शन. सो बिफोर स्टार्टिंग वील जस्ट चेक द प्रीवियस MCQs आंसर, बिकॉज काफ़ी लोगों ने आंसर किए, बहुत सही सब लोगों ने आंसर किए हैं. आई कॉन्ग्रेचुलेट्स टू एवरी वन कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, आपके इनपुट, आपके कॉमेंट्स को मैं सबको पढ़ रहा हूँ. सॉरी फॉर दैट आई एम नॉट एबल टू रिप्लाई, बट सबका मैं कॉमेंट पढ़ने के बाद ही सारे डिसीजन को लेके आगे बढ़ रहा हूँ. चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले MCQ ख़त्म करेंगे, उसके बाद हम मेन टॉपिक्स ऑफ सैम्पलिंग डिज़ाइन एंड डेटा कलेक्शन को कवर करेंगे. So the previous MCQs which we have discussed was the question one, identifying cause of a problem and a possible solution to the problem is. You have to identify the cause of a problem and the possible solution. It's not a field study. It's not an action study. It's not a pilot study. It will be a diagnostic study. So jin logon ne bhi answer kiya, that is perfectly fine. Still agar unko ye doubt hai, to just let me know. We'll discuss it on. Now the second question was, second step in problem formulation is, जब हम problem formulate करते हैं, they are asking about the second step. So first option is statement of the problem, second is understanding the nature of the problem, third is survey and fourth is discussion. तो ये बिल्कुल series में लगे हैं, तो second step is definitely understanding the nature of the problem. सबसे पहले हम problem डिसाइड करते हैं कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम एंड व्हाट विल बी द ऑब्जेक्टिव, क्या हाइपोथेसिस एक्सेट्रा. फिर हम उसको अंडरस्टैंड, उस प्रॉब्लम को समझने के बाद ही हम नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ते हैं. सो द आंसर इज बी. थर्ड क्वेश्चन वाज, रॉन्ग क्वेश्चनेयर इज एन एग्जांपल ऑफ रॉन्ग क्वेश्चनेयर. जो भी अगर क्वेश्चनेयर बना इज एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी डेटा कलेक्शन, सेकेंडरी डेटा कलेक्शन, कलेक्शन प्रॉब्लम, ए एंड बी बोथ एंड ऑफ द वर. देखिए, क्वेश्चनेयर जो है वो सबसे फर्स्ट स्टेप होती है, और अगर वो रॉन्ग भी है या राइट है, दैट इज़ नॉट द प्रॉब्लम. द आंसर इज़ द प्राइमरी. क्यों? क्योंकि जो क्वेश्चनेयर है, दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ डेटा कलेक्शन. जो क्वेश्चनेयर के आंसर्स कलेक्ट करते हैं, दैट इज़ द सेकेंड स्टेप, तो सेकेंड डेटा कलेक्शन. या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चनेयर को हम कंपाइल करें, फिर उसके बाद कुछ एनालिसिस करेंगे, दैट विल बी द सेकेंडरी डेटा. बट क्वेश्चनेयर इज द ऑलवेज द फर्स्ट प्राइमरी डेटा कलेक्शन मेथड. सो द रॉन्ग क्वेश्चनेयर मीन्स प्राइमरी डेटा कलेक्शन प्रॉब्लम. द फोर्थ क्वेश्चन वॉज, द एग्जिस्टिंग कंपनी इन्फॉर्मेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच डेटा. एग्जिस्टिंग कंपनी इन्फॉर्मेशन, ये फर्स्ट कंपनी नहीं, एग्जिस्टिंग कंपनी है, तो कंपनी जो भी है वो सेकेंडरी, इट्स नॉट द प्राइमरी. सो ये जो एग्जाम्पल है, बोथ इज़ नॉट ऑप्शन, प्राइमरी इज़ नॉट द ऑप्शन. प्राइमरी को मैंने आपको समझाया था, सेकेंडरी इज ऑलवेज कम्स फ्रॉम द प्राइमरी. तो एग्जिस्टिंग कंपनी जो है, दैट इज़ अ सेकेंडरी ऑप्शन. नाउ द फिफ्थ इज, इफ़ योर कलीग इज़ कन्फ्यूज अबाउट यूजिंग द मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस एज ही नोज दैट द समथिंग इज़ रॉन्ग बट ही इज़ नॉट श्योर अबाउट द स्पेसिफिक कॉज टू इन्वेस्टिगेट. वो कन्फ्यूज़ है मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस के अंदर. ही सीम्स टू बी हैविंग प्रॉब्लम विद डैश विच इज़ ऑफन द हार्डेस्ट स्टेप टू टेक. देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप किसी भी रिसर्च प्रोसेस के अंदर होता है, यू हैव टू डिफाइन द प्रॉब्लम. जब आप लोग अपने रिसर्च प्रपोजल बनाते हो डिफरेंट फील्ड्स के अंदर, सो सबसे इम्पॉर्टेंट आता है कि क्यों आप इस रिसर्च प्रपोजल को फाइनलाइज करने वाले हो. Why you want to work on the cancer? Why you work to on the women empowerment? Why you want to work on the bioremediation? ये ऐसे ऐसे fields हैं, क्यों इस पर काम करना चाहते हो? Poverty, liberty, women rights. तो आपको problem पता होना चाहिए. तो जिन लोग का background है, they have the problem. So defining the problem or the research objective is the major problem and it is the hardest step to take. इसीलिए ये सारा प्रॉब्लम आई हैव टू फेस, मुझे प्रॉब्लम डिसाइड करनी पड़ती है, उसके बेसिस पे ऑब्जेक्टिव. जैसे ही ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं, उसके बाद रिसर्च प्लान और अप्रोच एंड एजेंसी इज़ वेरी इजी.
Now we'll start the sampling design and data collection. Before starting to the main topics or the outline of the lecture, first I'll just raise only three questions. What is the name of the conceptual framework in which the research is carried out? Research hypothesis, synopsis of research, research paradigm, or research design. Got it? Second is a formal document that present the research objective, design of achieving these objectives, and the expected outcomes or deliverable of the study is called research design, research hypothesis, research proposal, or research report. Now the third is, in the process of conducting research, formulation of hypothesis is followed by statement of objectives, analysis of data, selection of research tool, or collection of data. Confuse mat ho, aram se iske 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, is tarike se mujhe answer do. Chalo, move on to the basic content of today's lecture is, ki kya kya hum isme dekhenge, sampling design ke andar, introduction, kuch objectives, meaning of sampling, kya hote hain, sampling design, characteristics of sampling design, types of sampling design, and the very important is the data in research. That is very important. So the first is the sampling. What is sampling? Hai kya ye cheez? This is very important. Meaning of sampling, I can say. So the sampling is a process used in statistical analysis in which predetermined number of observations are taken from a larger population. The methodology used to sample from a larger population depends on the type of analysis being performed, but may include the simple random sampling or systematic sampling. See what happened. For example, my study is to analyze the diabetic patient of a particular village of Varanasi district. So abhi kya hua, Varanasi bahut bada hai, got it? उसके अंदर एक छोटा सा रीजन है, एक विलेज है, एक डिस्ट्रिक्ट है, जिसको मैं स्टडी करना सोच रहा हूँ. फॉर एग्जांपल, लेट्स से बाबतपुर का कोई एरिया है, मैं उस वहाँ की जो पॉपुलेशन है उस गांव की, करीब 2,000-5,000 जो लोग हैं, उनको स्टडी करने वाला हूँ. तो मैं डिसाइड किया, मैंने एक पर्टिकुलर, दिस इज माई सैम्पल, दिस विल बी द माई सैम्पलिंग. तो सैम्पलिंग प्रोसेस जो है, अगर मैं ये नहीं करूँगा सो इतनी बड़ी पॉपुलेशंस में हाउ आई कैन स्टडी. सो आप जब भी स्टडी करोगे, सो यू हैव टू स्पेसिफाई योर सैम्पलिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ द सैम्पलिंग डिजाइन, वंस यू विल डिफाइन द सैम्पल्स, लाइक दिस इज माय सैम्पलिंग, सो यू हैव टू मेक अ डिजाइन फर्स्ट इन ऑर्डर टू गेट द सैम्पल्स, इन ऑर्डर टू गेट द डेटा. योर सैम्पलिंग डिजाइन मस्ट बी वेरी स्टैंडर्ड एज पर द स्पेसिफिकेशंस, कि वो कौन सी डिजाइन को फॉलो कर रहा है. Like the sample design also defines the number of items to be included in the sample. Us design ke andar sab kuch hona chahiye, like the size of the samples. Aap kitne samples collect karoge, kis type ke samples collect karoge. So your design must be very proper. So sample design is determined before data is collection. Kai baar, I'm telling you, kai logo ki thesis mein, kai logo ke research objectives, research goal, aur main kahunga ki kuch projects mein, प्रोजेक्ट सेंक्शन हो जाता है बट दे डोंट हैव द सैम्पल डिज़ाइन. अब होता क्या है, एट द एंड ऑफ द टाइम दे हैव द डेटा, और जो सारा डेटा है दैट इज़ रैंडम. कुछ सैम्पल्स यहाँ के हैं, कुछ सैम्पल्स वहाँ के हैं, कुछ सैम्पल मेल पॉपुलेशन है, कुछ फीमेल है, कुछ ओल्ड एज है, कुछ बच्चों के भी सैम्पल हैं. नाउ अब आप जब डिटरमिन करना स्टार्ट करोगे यूजिंग स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, तो आपके पास कोई भी एक डिज़ाइन नहीं होगी कि जिसको फॉलो करूं. मुझे करने हैं इस एरिए के सैम्पल्स, बट मेरे पास तो वो सैम्पल्स इस एरिए के हैं ही नहीं, वो दूसरे एरिए के हैं, तो मेरे ऑब्जेक्टिव सब खराब होते जाएंगे. सो बिफोर डेटा कलेक्शन योर सैम्पलिंग डिज़ाइन मस्ट बी अप्रूव्ड इन द सेंस फाइनलाइज. सो द चॉइस ऑफ डिटरमाइनिंग सैम्पल डिज़ाइन डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल एंड द टाइप ऑफ रिसर्च. तो हर चीज़ डिपेंड, फॉर एग्जांपल आप एजुकेशन के स्टूडेंट हो, ठीक है, आप इकोनॉमिक्स के हो, तो आप अगर एक ऐसे लोकेशन पे स्टडी करना चाह रहे हो कि किसी पॉपुलेशन को स्टडी कर रहे हो, आप क्लिनिकल के हो, मेडिकल साइंस के हो,
आप एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन को, स्पेसिफिक डिजीज पॉपुलेशन को स्टडी कर. सो इट ऑल डिपेंड अपॉन द इंडिविजुअल एंड द टाइप ऑफ रिसर्च अंडरटेकिंग. तो रिसर्चर मस्ट सेलेक्ट और प्रिपेयर अ सैम्पल डिजाइन विच शुड बी रिलायबल एंड अप्रोप्रिएट. फॉर एग्जाम्पल, हमारे यहाँ जो सैम्पल्स आते हैं डिफरेंट वाराणसी डिस्ट्रिक्ट के आते हैं, तो हम क्या करेंगे, एक मंथली डेटा कलेक्ट करेंगे कि डेंगू के सैम्पल वाराणसी डिस्ट्रिक्ट के ऐसे हैं, सोनभद्र के सैम्पल्स ऐसे हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के सैम्पल्स इतने इतने हैं, इतने एज के हैं. सो एक हम डिज़ाइन डिफाइन करेंगे, फिर जो अपने पास बहुत सारा डेटा है उसमें से डेटा एक्सट्रैक्ट करेंगे. बट बिफोर कलेक्टिंग डेटा हमारा डिज़ाइन प्रॉपर होना चाहिए कि मैं वाराणसी डिस्ट्रिक्ट के सैम्पल्स जो 50 प्लस एज वाले हैं मैं उनको देखना चाह रहा हूँ. करेक्ट? इज दैट अंडरस्टूड? सो दिस मस्ट बी लाइक अ सिंगल सेंटर स्टडी, मल्टी सेंटर स्टडी, या किस टाइप की आपकी स्टडी है, अकॉर्डिंगली यू हैव टू प्रिपेयर योर डिज़ाइन. नाउ वंस यू विल फाइनलाइज योर डिज़ाइन, आप जो भी डिज़ाइन फाइनलाइज करो, योर पॉइंट्स मस्ट बी वेरी क्लियर. फॉर एग्जाम्पल, इट मस्ट बी प्रोपोर्शनल. प्रोपोर्शनल मीन्स दैट शुड बी द ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल. इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, द मीन दैट द सैम्पल सेलेक्टेड शुड बी एग्जैक्टली और ऑलमोस्ट सिमिलर टू द पॉपुलेशन इट रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ डेटा एंड करेक्टरिस्टिक्स. वो जहाँ से सैम्पल उठाया है वो बिल्कुल उसको ट्रू रिप्रेजेंटेशन हो. मैं बोलूँ कि उस गांव के जितने भी डायबिटिक के लोग हैं मैं सबको उठा लूँ, तो सबको लेना पड़ेगा, देन आई कैन से कि हाँ मैंने वहाँ के सारे पॉपुलेशंस को उठाया है. सो इट मस्ट बी ट्रू रिप्रेजेंटेटिव. ऐसा नहीं कि एक को उठा लिया और बोला कि उस पॉपुल, मतलब मैंने पांच सैंपल उठा लिया और ये बोला कि हाँ उस कम्युनिटी के अंदर ना 90% जो पॉपुलेशन है दैट इज़ डायबिटिक, बट मैंने तो सिर्फ पांच ही सैम्पल्स उठाए. सो दैट इज़ वेरी रॉन्ग. तो प्रोपोर्शनल होना चाहिए, देन ओनली यू कैन फाइनलाइज और यू कैन कंक्लूड योर फाइंडिंग्स. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक इज एरर फ्री. जो भी आप सैम्पलिंग डिज़ाइन फाइनलाइज किए हैं उसका प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर सबसे कम होना चाहिए. अदरवाइज क्या होगा, आप सारे सैम्पल्स कलेक्ट कर लेंगे एंड एट द एंड आप ये एनालाइज करो कि लाइक नो यू कलेक्शन ऑफ द डेट, द वे यू हैव कलेक्टेड द डेटा वॉज रॉन्ग. सो इट मस्ट बी एरर फ्री. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बजटेड, दैट इज़ वेरी सिंपल. डेफिनेट सी बात है, अगर मेरे कंटिजेंसी ग्रांट के अंदर 50,000 रुपीज़ पर ईयर का बजट है और मैं इस टाइप की सैम्पलिंग डिज़ाइन करूं जो कि 2-3 लाख के ऊपर एक्सपेंसेस आ जाएं, सो दैट इज़ ऑफ ऑल वेस्ट. अपने फंड्स लिमिटेड होने चाहिए और उस लिमिटेड फंड्स की बेस्ट सैम्पलिंग डिज़ाइन हो और बेस्ट डेटा कलेक्शन हो जाना चाहिए. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इट शुड बी नो बायस. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपके कंट्रोल्स होने चाहिए. आप जिस टाइप का कलेक्शन कर रहे हो उसमें कोई बायसनेस नहीं हो कि क्यों ना मैं फीमेल्स को ले लेता हूँ, बस मेरे पास तो इतना क्राइटेरिया है कि 50 प्लस एज होना चाहिए. सो 50 प्लस एज में एक काम करता हूँ, यहाँ पे फीमेल्स का नंबर ज़्यादा है, मेल्स का नंबर कम है, सो आई कलेक्ट ऑल द फीमेल्स और मैं उसको दिखा दूंगा कि 50 प्लस में इतने डायबिटिक आ रहे हैं. बट दैट इज़ रॉन्ग. आप 50 प्लस ले रहे हो सो इट्स नो बायसनेस. इक्वली होने चाहिए मेल एंड फीमेल. I'm just giving you an example. This is an example. You have to correlate with your study design. Now the generalization of results. The sample should be such that the results of the study can be applied in general. वही जो मैंने बोला कि अगर किसी एक populations में से proportional ठीक होगा तो आप ये बोल सकते हो कि वो full population के अंदर ये problem है, ये disease है. Got it? Now the text is, while developing a sampling design, the researchers must pay a very strong attention to the following point. This is very simple and a very important. See, आप देख रहे हो ये circle sample अंदर है, दो population overlap कर रही है, एक sampling frame बना, एक target population बनी. जैसे मैंने बोला उस village के 50 plus age के diabetic females को मुझे select करना है जो लोग working नहीं है. आपने देखा कितना स्पेसिफिक हो गया. जो फीमेल्स वर्किंग नहीं है, 50 प्लस एज में है, डायबिटिक है और वो उस एरिए को बिलोंग करती हैं. सो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू डिसाइड, द टाइप ऑफ यूनिवर्स, सैम्पलिंग यूनिट,
source list size very important, consideration of interest, budgetary limitation में बताई दिया, और sampling procedure आप किस तरीके से कर रहे हो, daily वही procedure follow कर रहे हो कि नहीं, daily change कर दो, आज मैं गया कल मैं नहीं गया, आज मैं इस time गया तो मुझे data नहीं सही से मिला, वो सेंटर बंद था, वो बताने वाला नहीं था, अवेलेबल नहीं था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. गॉट इट? नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इन सैम्पलिंग डिजाइन इज द टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग. सो देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, एज द नेम सजेस्ट, नॉन प्रोबेबिलिटी. बोलते हैं ना कि यार अभी रिजल्ट आने वाला है, मेरे JRF क्वालिफाई होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, होता है ना. तो आई सेड कि लाइक मेरा एग्ज़ाम तो अच्छा नहीं हुआ है तो मेरी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, या एग्ज़ाम तो अच्छा हुआ है तो हाँ प्रोबेबिलिटी है. सो नॉन प्रोबेबिलिटी में आप बिल्कुल ही बिल्कुल एक्सक्लूड कर देंगे उस पॉपुलेशन को, दैट डज नॉट गिव ऑल द इंडिविजुअल्स इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड. मतलब आप इक्वल चांस दे ही नहीं रहे हो उनको सेलेक्ट करने का. फॉर एग्ज़ाम्पल एक एरिया जिसमें मैंने बताया, गाँव के अंदर 500 लोग हैं, 500 के अंदर मुझे 100 लोग चाहिए जो कि डायबिटिक है, जो कि डायबिटिक है. इज दैट क्लियर? सो द चांस ऑफ गेटिंग 300 इज नो, देयर इज नो चांस फॉर दोज 300 हु आर नॉन डायबिटिक. सो दिस इज अ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. 400 सैंपल्स में मैंने ऐसी सेटिंग कर दी कि उनका चांस ही नहीं है, कोई प्रोबेबिलिटी है ही नहीं. दिस इज द थिंग, दिस इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स. उसके बाद इसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं, वी विल डिस्कस इट ऑन. नाउ द प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, एज द नेम सजेस्ट, प्रोबेबिलिटी यानी जो वो 500 पॉपुलेशन है उस विलेज की, उनमें से 500 में कोई भी सेलेक्ट होने का चांस है. वो कैसे, अब मैं आपको बताता हूँ. लेट से मेरा ऑब्जेक्टिव है उन 500 में से मुझे 100 रिप्रेजेंटेटिव लोग चाहिए, पॉपुलेशन या पीपल्स चाहिए उन 500 में से जो जस्ट उस कम्युनिटी को बिलोंग करें, दैट्स इट. बिकॉज मेरा मानना है कि उस एरिया के अंदर जो डाइटरी हैबिट्स हैं वो बहुत पुअर हैं, फूड सप्लाई नहीं है, पानी की क्वालिटी ख़राब है, तो मुझे एक रिप्रेजेंटेटिव 100 सैंपल्स चाहिए, दैट्स इट. ऑब्जेक्टिव चेंज हो गया, दैट वाज प्रीवियस ऑब्जेक्टिव, वहाँ नॉन प्रोबेबिलिटी थी, प्रोबेबिलिटी के अंदर ऑब्जेक्टिव चेंज हो गया मेरा. सो अभी उन 500 में से हर आदमी के आने का चांस है, बिकॉज दिस इज़ रैंडम, मैं किसी को भी उठा सकता हूँ, बट वहाँ मुझे सिर्फ डायबिटिक लोग चाहिए थे, यानी सिर्फ 100. इज दैट क्लियर? नाउ दिस इज कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी, सबकी प्रोबेबिलिटी है. फॉर एग्जाम्पल टू सेलेक्ट अ सैम्पल ऑफ 100 फ्रॉम अ पॉपुलेशन ऑफ 400, यू नीड टू सेलेक्ट अ सैम्पल इंटरवल ऑफ 400 डिवाइड बाई 4, दैट इज हर चार में एक हाथ को उठाओगे आप. करेक्ट? सो दिस इज द वे हाउ द प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग गोज ऑन. नाउ द टाइप्स ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, सी द टाइप्स इज द पर्पज सैम्पलिंग, कन्वीनियंस सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग एंड द कोटा सैम्पलिंग. इन सबको हम लोग जल्दी देखेंगे बिकॉज दीज टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, यही चीज़ पूछी जाती है. नाउ द कन्वीनियंस सैम्पलिंग, सो द कन्वीनियंस सैम्पलिंग इज प्राइमरी डिटरमाइंड बाय कन्वीनियंस टू द रिसर्चर. फॉर एग्जाम्पल मेरा कन्वीनियंस है कि मैं उस पॉपुलेशन से बिल्कुल स्पेसिफिकली मुझे वही लोग चाहिए जो डायबिटिक हैं, जो 50+ एज के हैं, जो काम नहीं कर रही हैं वेमेंस, वो चाहिए. मेरा खुद का कन्वीनियंस था, इसीलिए मैंने सिर्फ इतना स्पेसिफिक होके वहाँ से पॉपुलेशन उठाई. सो दिस इज दैट इज़ वाई द ईज ऑफ एसेस मेरे लिए ईजी था. ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी, मुझे पता था उन 500 लोगों में से ही उठाना है, मेरा फिक्स था. एग्जिस्टिंग कॉन्टैक्ट विद द पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, मुझे पता था उस पॉपुलेशन के अंदर इतने लोग ऐसे हैं, सिर्फ इतने ही लोग हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो दैट इज़ वाई द कन्वीनियंस सैम्पलिंग आर समटाइम कॉल एक्सीडेंटल सैम्पलिंग, बिकॉज participants can be selected from the samples because they happens to be nearby the researchers conducting the data collection. For example, the study popularity of handmade products or traditional goods, the researcher may choose to visit a local fair
where it is easy to reach out to buyers of such goods and services. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो handmade products हैं, the researcher वो वाली local fair choose कर रहा है जहाँ उसको पहुँचना easy है, उसके लिए convenience था, वो वहाँ पहुँचा, उसने सिर्फ उसी से लिया, उसकी कन्वीनियंस थी, ऑल दो वहाँ पर लोकल शॉप्स बहुत सारी थी बट उसने नहीं लिया, दैट इज़ कॉल्ड कन्वीनियंस सैम्पलिंग. नाउ द कंजिक्यूटिव सैम्पलिंग, कंजिक्यूटिव सैम्पलिंग इज अ डिज़ाइन ऑल्सो नोन एज टोटल इनुमरेटिव सैम्पलिंग, इज एन सैम्पलिंग टेक्निक इन विच एवरी सब्जेक्ट्स मीट्स द क्राइटेरिया ऑफ इंक्लूजन इज सेलेक्टेड अंटिल द रिक्वायर्ड सैम्पलिंग इज अचीव्ड. यानी जितने भी लोग हैं सबके आने का पूरा चांस है जब तक हमारा क्राइटेरिया अचीव नहीं हो जाता. फॉर एग्जाम्पल व्हेन कंपनीज और ब्रांड स्टॉप पीपल इन अ मॉल और क्राउडेड एरियाज एंड हैंड देम प्रोमोशनल लीफलेट टू परचेज अ लग्जरी कार. होता नहीं आप मॉल में जाते हैं, मॉल में कोई सेल्समैन खड़ा होता है, दे विल डिस्ट्रीब्यूट अ पेपर, सर बाय दिस वन देयर इज एन ऑफर. सो इन दिस एग्जाम्पल द पीपल वॉकिंग ऑन द मॉल्स आर द सैम्पल्स, वो जितने भी घूम रहे हो वो सैम्पल्स हैं, और हमारा टारगेट क्या है, जो बंडल में 1000 का लेके आया हूँ मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है. तो कंजिक्यूटिव सैम्पलिंग, मुझे पता है इतने लोग हैं मुझे इनको कवर करना है, दैट्स इट, दैट इज कंजिक्यूटिव सैम्पलिंग. नाउ द परपोजिव सैम्पलिंग और जजमेंटल सैम्पलिंग, देखो नाम ही बता रहा है, परपजिव सैम्पलिंग. सो इन जजमेंटल सैम्पलिंग द रिसर्चर सेलेक्ट द सैम्पल बेस्ड प्योरली ऑन द रिसर्चर नॉलेज और क्रेडिबिलिटी. उसको पता है मुझे किस टाइप के लोगों को सेलेक्ट करना है. रिसर्चर चूज ओनली दोज पीपल हु दे डीम फिट टू द पार्टिसिपेंट इन द रिसर्च स्टडी. उसको पता है कि मुझे यही लोग चाहिए, वो उसको इंक्लूड करता है. थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है बट याद रखो नेम से, परपजली सैम्पलिंग और जजमेंटल सैम्पलिंग. So that the thus the research technique involves a high amount of ambiguity, is common in qualitative and mixed, ये एक mixed तरीके का sampling है. इसके अंदर the researcher want to explore the attitude, opinions and preference of a specific group of customers. उसको decide होना चाहिए कि बिल्कुल judgmental हो कि मुझे इस type के customers चाहिए, इस type के patients चाहिए, तो that is called purposive sampling. अभी देखो आप आगे और देखोगे तो आपको समझ में आएगा. What is quota sampling? Quota means a hypothetical consider. A researcher want to study the career of goal of male and female employees in an organization. Organization है, बहुत बड़ी है, वो उनका career goal देखना चाह रहा है किसका, male और female का, तो उसने एक quota बना दिया, ठीक है, 500 employees का. So understand better about the population, the researcher will need only a sample, not the entire population. उसको देखना है 500 में से मेल और फीमेल, तो वो रिप्रेजेंटेटिव है, वो उनको उठाएगा और उनसे ये चीज़ पूछेगा. फर्दर द रिसर्चर इज इंटरेस्टेड इन पर्टिकुलर स्टेटा विद इन द पॉपुलेशन. हेयर इज वाई कोटा सैम्पलिंग हेल्प्स इन डिवाइडिंग द पॉपुलेशन इनटू स्टेटा और ग्रुप. तो रिसर्चर्स क्या करता है, उनको कोटा में डिवाइड कर देता है और उस डिवीज़न के अकॉर्डिंग अपने ऑब्जेक्टिव्स को एग्जीक्यूट करता है. तो वो वहाँ पे एक सैम्पल का रिप्रेजेंटेशन है बट इन अ फॉर्म ऑफ कोटा, उसने डिवाइड कर दिया. जैसे ये इतने सारे लोग हैं, हम लोगों ने मेल कोटे को अबव 50 जो है उनको अलग कर दिया, एक कोटा बना दिया. अब उस 50 एज वालों में से हम कुछ वर्क करना स्टार्ट करेंगे कि हमने कहा 50 का ये अलग कोटा बना दो, जो 40 तक है उनका अलग कर दो, जो 20 तक है उनका अलग कर दो. सो दिस इज वाई वी हैव डिवाइडेड द कोटा फ्रॉम अ पॉपुलेशन. Now one more is there that is not very important but this is a snowball sampling. तो snowball sampling में क्या होता है, एक sample member होते हैं, उसको initiate करते हैं, find a sample when they are difficult to locate. It is very difficult to locate the sample. तो हम इसमें क्या करते हैं, एक छोटा small size लेते हैं और एक referral, वो एक referral program नहीं होता है कि तुम दो को लेके आओ, उन दो से बोलो वो चार को लेके आए, वो चार बोले कि वो और दो को लेके आए, तो एक से दो, दो से चार, ऐसे सीरीज बनती है ना. सो दिस इज़ हाउ द स्नोबॉल सैम्पलिंग स्टार्टेड. आपको पता है कि ये काम करना बहुत डिफ़िकल्ट है तो आप इस मेथड को यूज़ करोगे. देखो बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ. फॉर एग्जांपल
आपको स्टडी करनी है हिडन पॉपुलेशन से, जैसे क्रिमिनल से, ड्रग डीलर से, सेक्स वर्कर से। तो इसमें आप क्या करोगे, किसी एक को पकड़ोगे और उसको ये चीज़ समझाओगे, वो जाके दूसरे से कॉन्टैक्ट करेगा, वो जाके तीसरे से, चौथे से, वो उनसे, और ऐसे ब्रांचिंग बढ़ेगी और आपका सैम्पल साइज पूरा होगा। सो दिस इज कॉल्ड स्नोबॉल सैम्पलिंग। नाउ दैट इज ऑल अबाउट द नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। नाउ द नेक्स्ट इज प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। सी दिस इज, देर इज अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन, लॉट ऑफ वेरिएशन, सो प्लीज डोंट गेट कन्फ्यूज। एक एक करके जस्ट नेम्स को लिख लो, नहीं समझ आएगा आई विल गिव यू ईच एंड एवरीथिंग, बट जस्ट नेम ज़रूर रिमेंबर करो, कौन किसके अंडर में आ रहा है, क्या इसका एग्जाम्पल है, देन यू कैन लाइक सम अप ऑल द थिंग्स। नाउ द प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर फर्स्ट आता है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। ये बहुत ही ईजी है, सिंपल रैंडम। इतनी सारी पॉपुलेशन है और मैंने रैंडमली तीन सैम्पल उठा लिए, 250 एम्प्लॉइज हैं, 25 एम्प्लॉइज मुझे उठाने हैं आउट ऑफ द हेड फ्रॉम द कंपनी, दैट इज सिंपल। कोई डिफाइन नहीं है, मैं जो वर्क करूँगा, जब मैं रैंडमली सैम्पल उठाऊँगा, मेरे पास जो जो आएगा मैं उसको ले लूँगा, देन आई विल स्टार्ट वर्किंग ऑन माई सैम्पल डिज़ाइन। नेक्स्ट इज स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। सो स्ट्रेटिफाइड इज अ कलेक्शन ऑन अ रैंडम सैम्पल विद इन अ सर्टेन स्ट्रेटा, मतलब ग्रुप, सब ग्रुप, कोई स्पेसिफिक ग्रुप के अंदर आप काम करोगे, सो दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड। फॉर एग्जाम्पल जेंडर, रेस, देखो ये उधर भी आ रहा था, इधर भी आ रहा है, बट दिस कम्स इन प्रोबेबिलिटी एंड द प्रीवियस कम्स इन नॉन प्रोबेबिलिटी। अभी आपको लग रहा हो सर सब तो सेम हो रहा है, अभी कन्फ्यूज हो रहे हैं, बट नो, यू हैव टू रिमेंबर द डिफरेंस। ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, वो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। सो दिस इज द स्ट्रेटिफाइड। आपने ग्रुप बनाया, फॉर एग्जाम्पल इज वेजिटेरियन कवर इन एन एरिया ऑफ हेल्थ लैंड इन 60% हेल्थियर एंड 40% ग्रोस। फॉर द स्ट्रेटिफाइड सैम्पल टेक 60% ऑफ द सैम्पल्स फ्रॉम द हेल्थियर, 40% फ्रॉम द ग्रोस। ठीक है, तो मैंने डिवाइड कर लिया। नाउ सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे एवरी फिफ्थ 15th पर्सन ऑन अ लिस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, बहुत सिस्टमैटिक। मेरे पास 1000 की लिस्ट है, मुझे उसमें से सैम्पल सेलेक्ट करने हैं, तो मैं रैंडमली नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत एक सिस्टमैटिक मैनर से कर रहा हूँ। हर 15th सैम्पल्स मुझे चाहिए, या मैं एक साल का डेटा कलेक्ट करूँगा, बट हर मंथ एक फिक्स डेट में कलेक्ट करूँगा, एक सिस्टमैटिक वे में कर रहा हूँ। बट मैंने ग्रुप नहीं बनाए, मुझे पॉपुलेशन नहीं पता है, बट मैं एक सिस्टमैटिक वे, एक रेगुलर इंटरवल, एक रैंडम पॉइंट पे जाके वो सैम्पल को कलेक्शन करूँगा। नाउ द क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर तो आपको समझ में ही आ रहा है, दिस इज अगेन अ क्लस्टर। जैसे स्कूल के अंदर क्लासेस होती हैं, 6th क्लास, 4th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास, 1st क्लास। सो मैं एक क्लस्टर्स के पॉपुलेशंस को सेलेक्ट करूँगा, देन मैं वर्क करूँगा। जैसे ज्योग्राफिकल डिस्पर्स पॉपुलेशन होती है, लार्ज पॉपुलेशन, स्मॉल पॉपुलेशन है, विलेज की पॉपुलेशन है, एक गांव की पॉपुलेशन में के अंदर भी छोटा सा कोई वो है, एक कस्बा है, एक ट्राइबल एरिया है, उसको स्टडी करना चाहता हूँ, लाइक दैट। गॉट इट? दैट इज कॉल्ड क्लस्टर सैम्पलिंग। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट इज द डेटा एंड रिसर्च। देखो अब आपने सैम्पलिंग क्या होती है, सैम्पलिंग ये फाइनलाइज कर लिया, फिर आपने एक सैम्पलिंग डिज़ाइन फाइनलाइज कर ली कि नाउ दैट इज डिसाइडेड कि मैं उस विलेज के 500 लोग को डेटा एनालिसिस करूँगा, 500 में से 100 जो डायबिटिक केसेस हैं उसको एनालाइज करने वाला हूँ। अब मेरे पास कुछ डेटा आने वाला है, 500 केसेस का आया, 300 केसेस का आया, 100 का आया, नाउ आई हैव अ डेटा। सो दिस इज कॉल्ड डेटा कलेक्शन। सो डेटा इज द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग एंड मेजरिंग इन्फॉर्मेशन ऑन टारगेटेड वेरिएबल्स। जो मैंने वेरिएबल्स बनाए थे, जो रेलिवेंट मेरे दिमाग में क्वेश्चंस थे, जिनके आउटकम्स के लिए हम सोच रहे थे, उसके बेसिस पे जो भी हमने डेटा कलेक्ट किया है फिजिकली, सोशली, किसी भी सब्जेक्ट से, अब उस डेटा को मुझे एनालाइज करना है। सो दिस इज कॉल्ड द डेटा। वो डेटा हमको एक आंसर देगा जो क्वेश्चंस हमारे थे। सो डेटा कलेक्शन इज वेरी एक्यूरेट, मस्ट बी वेरी ऑनेस्ट। अगर आप डेटा कलेक्शन गलत करोगे, सो यू मस्ट हैव अ रॉन्ग आउटपुट और रॉन्ग मेजर्स। फाइन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
सो डेटा क्या होता है, प्राइमरी टाइप और सेकेंडरी टाइप. ये मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो प्राइमरी होता है दैट इज़ अ ओरिजिनल सोर्स. मैं वहाँ गया, मुझे इतने लोग मिले नहीं मिले. बट अगर मैंने प्राइमरी में ही लिख दिया कि नहीं वहाँ तो इतने ही लोग थे, दैट इज़ द रॉन्ग. मैं विलेज में गया, मुझे 500 लोगों से मिलना था बट मुझे 300 ही मिले, तो मैंने क्या लिख दिया, द टोटल नंबर ऑज 300. दैट इज़ रॉन्ग. आउट ऑफ 500 यू ओनली गेट द डेटा ऑफ 300. अगेन यू हैव टू विजिट, यू हैव टू इवेल्युएट द रेस्ट 200. सो प्राइमरी डेटा मस्ट बी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज उसके बेसिस पे सेकेंडरी डेटा आता है. तो जो प्राइमरी डेटा आया उसके बेसिस पे वी हैव इवेल्युएटेड द सेकेंडरी डेटा. अब क्या आउटकम आ रहा है, अच्छा ये डायबिटिक हैं, ये इस एज ग्रुप के हैं, इनका वर्क प्रोफाइल ये है, इनका डाइट पैटर्न ये है, इनका वेट ये है, इनको ये डिजीज थी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. फिर मेरे दिमाग में पूरी पिक्चर क्लियर होनी स्टार्ट हो गई ऑन द बेसिस ऑफ सेकेंडरी डेटा. सो सेकेंडरी डेटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एनालाइज, टू जज द क्वेश्चंस, जो भी हमारे दिमाग के अंदर है. सो दिस इज द मेथड ऑफ प्राइमरी डेटा कलेक्शन एंड दिस इज द मेथड ऑफ सेकेंडरी डेटा कलेक्शन. सो प्राइमरी डेटा कलेक्शन आप ऑब्जर्वेशनल मेथड होता है, सर्वे करोगे, जैसे मैंने बताया मैं गया वहाँ सर्वे किया. कॉन्टैक्ट मेथड होता है, एक्सपेरिमेंटल मेथड होता है, जो हम लेबोरेटरीज में करते हैं दैट इज ऑल्सो द प्राइमरी डेटा. फिर उसको हम इवेल्युएट करते हैं, वो सेकेंडरी डेटा होता है. अब जो सेकेंडरी डेटा के सोर्स होते हैं वो लाइब्रेरी, बिकॉज उन्होंने प्राइमरी डेटा उठाया है. गवर्नमेंट पॉलिसीज, उन्होंने प्राइमरी जो जैसे एनजीओज होते हैं सबसे डेटा लिया है फिर कलेक्ट किया है ना. प्राइवेट बिजनेस फर्म, एडवर्टाइजिंग मीडिया, यूनिवर्सिटी रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन, ये सब सेकेंडरी डेटा के सोर्स हैं. सो प्राइमरी डेटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे काम होता है. सो द कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा मस्ट बी वेरी एक्यूरेट. सो दिस इज ऑल अबाउट द नेक्स्ट लेक्चर विल बी प्रोसेसिंग एंड एनालाइजिंग डेटा. बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर होगा नेक्स्ट वाला, बिकॉज अब आपने डेटा कलेक्ट कर लिया, डिज़ाइन बना ली, कलेक्शन करने चले गए, प्राइमरी भी कलेक्ट किया, सेकेंडरी भी कलेक्ट किया, उसको प्रोसेस करोगे और एनालाइज कैसे करोगे, दैट विल बी इन द नेक्स्ट लेक्चर. बट बिफोर दैट यू हैव टू रेट, अगेन रेट दिस लेक्चर एंड एनी डाउट यू हैव टू टेल मी. एंड इफ यू हैव लाइक दिस लेक्चर, लाइक द कॉन्टेंट, लाइक द प्रेजेंटेशन, देन डोंट गो और स्किप द वीडियो विदाउट प्रेसिंग द थम्स अप बटन. सो लाइक प्रेस करना और नीचे मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताना हाउ इज़ दिस लेक्चर सीरीज. And if you want something extra, something extraordinary or something modification. So thank you so much for watching, for listening, for commenting. Your comments are really very valuable for me to continue this series, to give my maximum efforts to you. Thank you so much. Have a nice day. Bye-bye. Take care. Don't forget to press the notification option because usi ke through aapke paas next lecture ka update aa jayega.